हेलो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रि के फास्ट आने वाले हैं और नवरात्रि के फास्ट में मन करता है कि रोज़ कुछ नया और अलग बना करके खाया जाए। तो आज मैं जो लेकर रेसिपी आई हूँ वो बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस भी है। आज मैं बनाऊँगी आलू के हलवे की रेसिपी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कुकिंग शुकिंग इंडिया बाय शगुन में। तो आइए बनाते हैं आलू का हलवा। आलू का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 आलू ले लिए हैं। इन्हें मैं अच्छे से पहले मैश कर लूँगी। उबले हुए आलू लिए हैं, पीसेस में मैंने इन्हें कट कर लिया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आलू मैंने अच्छे से यहाँ पे मैश कर लिए हैं। अब मैंने गैस पे एक नॉनस्टिक पैन रख दिया है। नॉनस्टिक पैन का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अगर आपके पास नॉनस्टिक नहीं है, एल्यूमिनियम की कढ़ाई है, तो आप उसमें भी बना सकते हैं। बस ध्यान रखना होगा कि इसे लगातार चलाते रहना होगा। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ देसी घी। तो अगर स्पून से मेजर करेंगे तो 3 से 4 टेबल स्पून घी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। घी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर रखें, क्योंकि कम घी में यह हलवा अच्छा नहीं बनेगा और इसमें जो आलू हैं वो काफ़ी घी को सोख कर लेते हैं, इसलिए घी की क्वांटिटी थोड़ी सी यहाँ पे हमें ज़्यादा रखनी है। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मैश किए हुए आलू। तो ये मीडियम साइज़ के आलू थे फ्रेंड्स। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे प्रेस ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसे किस तरह से मैश कर रही हूँ एक कड़छी की मदद से। तो अब इसमें यही एक टास्क है कि इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। मैं यहाँ पे नॉनस्टिक का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं बीच बीच में इसे छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाएं तो इसे लगातार चलाते रहें। बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रख के इसे बनाना होगा। पकाते हुए मुझे इसे 4 से 5 मिनट हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से जो आलू हैं वो अच्छे से मैश हो गए हैं, घी में अच्छे से मिक्स हो गए हैं और आलू ने सारे घी को अच्छे से सोख भी कर लिया है। घी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसी अगर आपको ज़्यादा घी लगे तो आप थोड़ा कम कर दें, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा घी ऐड करेंगे तब इसका टेस्ट और भी ज़्यादा आएगा। और देखिए अच्छे से जो घी है वो यहाँ पे सोख हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पे लगातार इन्हें चलाते हुए पका रही हूँ। बस यही इसमें एक टास्क है और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस आएगा फ्रेंड्स। तो इस नवरात्रि इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। और नवरात्रि में जब कभी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं या किसी भी फास्ट में इसे बना सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं किस तरह से आलू ने घी को छोड़ना भी शुरू कर दिया है, लेकिन अभी अच्छे से पके नहीं है जब तक आलू का थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, देखिए हल्का हल्का सा इसका जो कलर है वो चेंज होने लगा है, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है। और देखिए इसे पकाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 5 से 8 मिनट हो गए हैं, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा एडजस्ट कर लें। मैं यहाँ पे थोड़ी कम चीनी ऐड कर रही हूँ, आपको थोड़ी ज़्यादा पसंद हो तो क्वांटिटी बढ़ा लें। और अब मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें तो, उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा मावे वाली फीलिंग आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल इसे बना रही हूँ कि घर पर रखे बहुत ही कम सामान से ये बढ़िया और टेस्टी बन जाए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है इलायची पाउडर, इससे जो हलवे का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे तो बनाते हुए मुंह में पानी आ रहा है, आप कैसे वेट करेंगे, फटाफट इस रेसिपी को देखते ही बनाएं, बहुत ही अच्छी बनती है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस भी होती है। और देखिए किस तरह से हमारे जो आलू हैं उन्होंने घी को छोड़ना शुरू कर दिया है और किस तरह से कड़छी के साथ घूम रहा है। तो इस स्टेज पे जो हमारा आलू का हलवा है वो एकदम बन करके रेडी हो गया है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और अच्छे से ये पक भी गया है और थोड़ा सा दानेदार भी ये लग रहा है। आप देख सकते होंगे जिस तरह से मैं कड़छी चला रही हूँ उसके साथ ही ये जो हलवा है वो घूम रहा है। तो इस स्टेज पे आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो हलवा है वो बन करके रेडी हो गया है और अब हलवा भी कह रहा है कि फटाफट सर्व करें और इसे खाएं। लेकिन उससे पहले हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करूँगी क्योंकि इसमें जो ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है।
आप चाहें तो इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आलू के हलवे में। तो देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी किशमिश, किशमिश का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़े से मैंने बादाम चॉप किए थे वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, आप काजू भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हलवे ने पैन को एकदम छोड़ दिया है, तो अब हम इसे सर्व करते हैं। और देखिए हमारा टेस्टी डिलीशियस आलू का बहुत ही हेल्दी हलवा बनकर के रेडी हो गया है। इस नवरात्रि इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, थोड़ी सी अलग रेसिपी है लेकिन आप, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ आप इसे इंजॉय ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपने वीडियो एंड तक देखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलूंगी इसी तरह की एक टेस्टी बढ़िया और आसान रेसिपी के साथ।